मिडिल ईस्ट में इसराइल हमास की युद्ध की वजह से हालात पहले ही खराब थे। इसके बाद ईरान के भीषण मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट जंग के मैदान में बदल गया। इसराइल के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया और फिर इसराइल ने एक और हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान को कमजोर करने के लिए परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर इस्फहान शहर में न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें दागी। और अब ये जंग यही नहीं रुकी है, दूसरी तरफ ईरान अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जिसका अंदाजा खुद इसराइल को भी नहीं है। जी हाँ, इस खबर ने इसराइली पीएम नेतन्याहू की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजीजादेह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक टीवी चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पिछले महीने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमलों में ईरान ने अपने पूरे सैन्य बल का केवल एक अंश ही इस्तेमाल किया था। इसराइली शासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो कुछ भी तैयार किया गया था उसका केवल 20% ही उपयोग करके सुपर पावर देशों और उनके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा था। IRGC के कमांडर ने इसराइल की मदद करने आगे आए सुपर पावर देश अमेरिका के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इसराइल ने ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने सभी सैन्य बल जुटाए और अमेरिका ने भी इसराइल के समर्थन में अपने विमान, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। इसराइल और उसके सहयोगियों ने ईरान का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत एक कर दी। अमेरिका, जिसने पहले दावा किया था कि उसका दखल करने का कोई इरादा नहीं था, वो इसराइली शासन की मदद करने आ गया। लेकिन IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली का दावा सच है तो इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसराइली सेना ने जिस तरह इराक के भीतर घुसकर प्रतिरोधी समूह के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, उससे अब इराक के भी इसराइल पर हमले का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल तो इराक का प्रतिरोधी समूह ही इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये हमला इसराइल के एलेट बंदरगाह पर IDF के एक सैन्य ठिकाने पर किया गया था। इसराइल और ईरान के झगड़े की वजह से आज पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है।